मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम सेरिब्रल पाल्सी के बारे में बात करेंगे। आई थिंक मैं पेरेंट्स के लिए वीडियो बना रहा था, ये वीडियो टारगेट करूंगा मैं उन स्टूडेंट्स को जो सेरिब्रल पाल्सी के बारे में जानना चाहते हैं, सबसे पहले एमबीबीएस स्टूडेंट्स, पीडियाट्रिक रेजिडेंट्स एंड आई एम श्योर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स एंड कुछ लोग जो रिहेबिलिटेशन में काम कर रहे हैं वो भी इस टॉपिक के बारे में जानना चाहेंगे। मैं बहुत सिंपल रखूंगा कि एक्चुअली सेरिब्रल पाल्सी होता क्या है। जो पेरेंट्स इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट जानना चाहते हैं, जिनका साइंटिफिक बैकग्राउंड है, आई एम श्योर दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सेरिब्रल पाल्सी होता क्या है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, व्हाट इज सेरिब्रल पाल्सी? सबसे पहले हम सेरिब्रल पाल्सी की डेफिनेशन की बात करेंगे कि होता क्या है। सेरिब्रल पाल्सी एक्चुअली एक बीमारी नहीं है। जब भी मैं किसी बीमारी, जैसे हम डेंगू की बात करते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक बीमारी है कि एक कीटाणु है और वो आपके शरीर को अलग अलग तरीके से इन्फेक्ट कर सकता है। हम किसी और बीमारी के बारे में, हार्ट डिसीज की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि हार्ट एक ऑर्गन है जिसके अंदर या तो नसें ब्लॉक हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है। लेकिन सेरिब्रल पाल्सी एक्चुअली इज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, मतलब हम डॉक्टर्स लेबल कर देते हैं सेरिब्रल पाल्सी है। इसमें बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, लेकिन ऑल दीज आर कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन सिम्टम, आई वुड से कॉमन सिम्टम्स विच आर परमानेंट। ओके, बहुत सारी बीमारियों का रिजल्ट है सेरिब्रल पाल्सी, और जो कि एक परमानेंट बीमारी है, परमानेंट इलनेस है, शायद इसे क्योर करना पूरी तरह से मुश्किल है। ओके, एंड दिस डिसऑर्डर्स या आई वुड से दिस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स इज रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चा जो मूवमेंट कर रहा है, ये सिर्फ उसको अफेक्ट करने वाली बीमारी को दर्शाता है। सेरिब्रल पाल्सी का मतलब ये नहीं है कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड है। सेरिब्रल पाल्सी का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को इंटेलेक्चुअल इश्यूज हैं। सेरिब्रल पाल्सी जस्ट मीन्स बच्चे को कोई ना कोई मूवमेंट डिसऑर्डर्स है, जिसकी वजह से ये उस इंसान की, उस बच्चे की मूव करने की, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने की, अपनी बॉडी को बैलेंस करने को, इसके अलावा अपना पोस्चर मेंटेन करने में मुश्किल प्रोड्यूस करता है। मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जो बच्चे की मूवमेंट्स पे असर डालेगी, उसकी मोबिलिटी, उसका पोस्चर, उसका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। होती क्यों है ये? देखिए, आपका जो ब्रेन है, ब्रेन एक यूं मान के चलिए कि एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसी दुकान है जिसमें अलग अलग हिस्से अलग अलग काम कर रहे हैं। सपोज एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, उस स्टोर में कोई तो होगा जो सफाई कर रहा होगा, कोई होगा जो सामान जचा रहा होगा, कोई होगा जो पेमेंट ले रहा होगा, कोई होगा जो सेल्समैन का काम कर रहा होगा। उस पूरे स्टोर को चलाने के लिए उस डिपार्टमेंटल स्टोर का हर इंसान जब अच्छे से काम करता है तभी वो स्टोर चल पाता है। ठीक है, मान लीजिए ये हिस्सा आपका हाथ चला रहा है। अब मैं इसी डिपार्टमेंटल स्टोर को एक ब्रेन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। जैसे एक डिपार्टमेंटल स्टोर में अलग अलग इंसान, अलग अलग वर्कर, अलग अलग काम कर रहा है, उसी तरीके से आपके ब्रेन में, मान लीजिए ये हिस्सा हाथ को चलाने के लिए है, ये हिस्सा ब्रेन को चलाने, पैरों को चलाने के लिए है, ये हिस्सा सुनने के लिए है, ये हिस्सा बोलने के लिए है, तो उसी तरीके से हमारा ब्रेन में अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं, और इन सबकी सेंसिटिविटी अलग है बीमारियों को सहने की। एक हिस्सा जो सबसे सेंसिटिव है, जिसको हम बोलते हैं पोस्चर कंट्रोल करने वाला हिस्सा, वो सबसे सेंसिटिव है। मतलब अगर आपके ब्रेन को कोई भी इंजरी ऐसी हुई है जो पूरे ब्रेन पे असर डाल रही है, तो सबसे पहले वो कहाँ असर डालेगी? उस हिस्से पे जो हिस्सा शरीर का पोस्चर कंट्रोल करता है। मान लीजिए किसी भी वजह से आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो वो कमी एक तरह से हुई तो सारे शरीर में है, लेकिन 5 मिनट के अंदर वो कमी को हमने खत्म कर दिया, आपका शरीर फिर से काम करने लग गया। जैसा कि मोस्टली हम देखते हैं कि बर्थ एस्फिक्सिया वाले बच्चों में, जो बच्चे पैदा होते ही रोए नहीं है, तो कुछ समय के लिए उनकी ऑक्सीजन की कमी हुई है, और वो कमी हालांकि सारी जगह हुई है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम 2, 3, 4 मिनट में उस बच्चे की ब्रीदिंग को दोबारा से एस्टेब्लिश कर पाते हैं। जब हम उसकी ब्रीदिंग को एस्टेब्लिश कर पाते हैं दोबारा से, तो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई फिर से शुरू हो जाती है। अब ये जो ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हुई है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को दोबारा से नॉर्मल रन कर सकती है, लेकिन ब्रेन का वो हिस्सा, स्पेसिफिकली इस डायग्राम में दिखा रहे हैं थैलेमस, ये बहुत एक्टिव है, ये 1 या 2 मिनट भी बिना ऑक्सीजन के नहीं रह पाता। तो जब ऑक्सीजन की कमी हुई, दोबारा से स्टार्ट हुई, लेकिन सबसे पहले नुकसान इस एरिया में होता है
जो हिस्सा बिना ऑक्सीजन के नहीं रह पा रहा। ओके, जैसे जैसे वो ऑक्सीजन की कमी बढ़ती जाती है तो यस बाहर के हिस्से भी अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे सुनने वाला हिस्सा, देखने वाला हिस्सा। और अगर ये कमी काफी टाइम तक रहती है तो ये जो ब्रेन स्टेम जिसको बोलते हैं, ये सबसे रेजिस्टेंट है, इस एरिया में ऑक्सीजन की कमी होती है और ये हिस्सा डैमेज हो जाता है। तो जो बच्चे को थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन की कमी हुई है, उसका सिर्फ और सिर्फ ये पोस्चर कंट्रोल करने वाला हिस्सा जाएगा। जिस बच्चे की ऑक्सीजन की कमी लंबे समय तक हुई है, हो सकता है उसको सुने भी ना, दिखे भी ना, बट दैट इज नॉट काउंटेड इन ओनली सेरेब्रल पाल्सी, दैट इज सेरेब्रल पाल्सी विद हियरिंग डेफिसिट या विद विजन डेफिसिट। और देर तक कमी हुई है तो बच्चे के कोग्निटिव मतलब सोचने की क्षमता पे भी फर्क पड़ सकता है। सोचने की क्षमता हमारी बाद में अफेक्ट होती है। तो जनरली ये कहा जाता है कि सेरेब्रल पाल्सी के ऑलमोस्ट 70% बच्चे सोचने के पॉइंट, जिसको हम कोग्निटिव फंक्शन बोलते हैं, वो नॉर्मल होता है उन बच्चों का। ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉब्लम है लेकिन मेंटली समझने की शक्ति बिल्कुल नॉर्मल है। फिर ये बच्चों को मेंटली रिटार्डेड लेबल क्यों किया जाता है? शायद ये मिसनोमर है, या हमारी सोसाइटी में जब हम उन बच्चों को वो सपोर्ट नहीं दे पाते हैं या वो बच्चा चल नहीं पाता है तो वो सीखने के मौके उसके लिए कम हो जाते हैं। जैसे आप अगर बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन आपको कोई स्कूल ना भेजे तो क्या होगा, क्या आप सीख पाएंगे? आपको बहुत टैलेंटेड है लेकिन आपको कोई क्रिकेट का बैट ना दे, आपको टैलेंट भगवान ने कूट 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 कर भरा है कि आप एक बहुत अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं, उसी तरीके से बच्चा कैसे सीखता है? उसको बस छोड़ दिया जाता है, कभी वो चीज को उठा रहा है, कभी उठा के फेंक रहा है, कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है। जब वो मूवमेंट करता है तो उसको नई नई एक्टिविटीज देखने को करने को मिलती है, इस तरीके से बच्चा सीखता है। और जो बच्चा शुरू से ही अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए सीखने के मौके धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो इसीलिए सेरिब्रल पाल्सी वाले बच्चों को अगर शुरू में हम सब चीजें अच्छा एनवायरनमेंट दें, उन्हें मौका दें सीखने का, तो वो आगे चलकर माइंड के तौर से नॉर्मल हो सकते हैं। फिजिकली मूवमेंट कुछ सपोर्ट के साथ इन बच्चों की हेल्प की जा सकती है। आज भी हमारे देश में मैं कहूंगा मोर देन 50% डॉक्टर्स जो इस फील्ड में डील नहीं कर रहे, एक बार सेरिब्रल पाल्सी का बच्चा देखते हैं तो उनकी काउंसलिंग यही रहती है कि इसका कुछ नहीं किया जा सकता, बट देर इज सम होप। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया जा सकता, हाँ नॉर्मल करना शायद मुश्किल हो लेकिन कुछ तो किया जा सकता है। तो प्लीज उन पेरेंट्स को होपलेस मत कीजिए, उन पेरेंट्स को ये मत कहिए कुछ नहीं किया जा सकता। सुधार हर बच्चे में किया जा सकता है, जो कि हर बच्चे के लिए अलग होगा। किसी बच्चे को कम सुधार होगा, किसी को ज्यादा होगा, बट सुधार हर बच्चे में किया जा सकता है। कैसे सुधार होगा उसके बारे में हम आगे जानेंगे। जैसे हमने अभी बात की कि जैसे ब्रेन का एक एरिया है जो मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, उसको हम बोलते हैं मोटर कोर्टेक्स। अब ये मोटर कोर्टेक्स को जब डैमेज होगा तो जो कंट्रोल उसने मसल को करना है, ऐसा नहीं है कि सारा कोर्टेक्स डैमेज हो जाता है। आपको होमंकुलस, आपने शायद अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो सुना होगा कि एक छोटा सा एरिया होता है जो पैर को कंट्रोल करता है, एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो जीभ को कंट्रोल करता है। तो जितना पार्ट फाइन मसल मूवमेंट के लिए चाहिए उतना हिस्सा ब्रेन का उसको मिलता है। अब जब डैमेज हुआ है तो वो सारा डैमेज नहीं होगा, हो सकता है सिर्फ ब्रेन का वो हिस्सा जो राइट हैंड को कंट्रोल कर रहा है वही डेफिशिएंट हो, वही अफेक्टेड हो, तो बच्चे को सिर्फ और सिर्फ हेमीपैरेसिस होगा। हेमीपैरेसिस का मतलब है कि सिर्फ एक साइड की मूवमेंट कम होगी। अगर बहुत बड़ा हिस्सा डैमेज हुआ है उसी हिसाब से पार्ट ब्रेन का डैमेज होगा। ये इंजरी बर्थ के समय भी हो सकती है और ये इंजरी बाद में भी हो सकती है। बाद में इंजरी का मतलब जैसे ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, अगर आपको चोट लगी है, दिमाग किसी चीज से टकरा गया है, एक्सीडेंट हुआ है, उससे डैमेज हो सकता है। आपके ब्रेन में बहुत सारी वेसल्स ब्रेन के अलग अलग एरिया को सप्लाई करती है, किसी भी वजह से अगर वो वेसल ब्लॉक हुई है, तो मान लीजिए ये आपको फिगर जो देख पा रहे हैं, सपोज सिर्फ इस एरिया में कोई ब्लॉकेज आ गया तो क्या होगा, इस हिस्से की ब्लड सप्लाई बंद हो गई और ये हिस्सा एक तरह से डैमेज हो गया। अब ये डैमेज हिस्से ने जो काम करना था
वो आप नहीं कर पाओगे। तो इस हिस्से का काम क्या है, फ्रंटल एरिया का सोचना। तो सोचने में मेमोरी में ही हिस्सा काम करता है। तो अगर स्पेसिफिकली ये डैमेज हुआ है तो शायद बच्चा अच्छे से सोच नहीं पाएगा। ओके, अगर ब्रेन का ये पीछे वाला हिस्सा डैमेज हुआ है, ठीक है, ये हिस्सा क्या करता है, देखने में मदद करता है। तो वो बच्चा देखने में दिक्कत हो, तो ब्रेन के जो जो हिस्से डैमेज होते हैं वो हिस्से बच्चे को आगे चल के प्रॉब्लम के रूप में दिखते हैं। और मोस्ट कॉमन हिस्सा जो डैमेज होता है मोटर कोर्टेक्स, इस वजह से ज्यादातर इन बच्चों को फिजिकल प्रॉब्लम होती ही होती है। ये यूं कहिए सबसे पहला ऑर्गन अफेक्ट ब्रेन का ऑर्गन रहता है, ब्रेन का पार्ट आई वुड से मोटर कोर्टेक्स है। लेकिन जब मोटर कोर्टेक्स डैमेज हुआ और डैमेज कंटिन्यू रहा है तो बाकी हिस्से भी डैमेज हो सकते हैं। सो सेरिब्रल पाल्सी इज ए मोटर डिसऑर्डर। अब इसकी जो नेक्स्ट चीज है, दिस इज नॉन प्रोग्रेसिव। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ बढ़ती जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं डीजेनरेटिव ब्रेन डिसीजेस। कुछ बीमारियां होती है जिसमें ब्रेन के अंदर क्लोट्स बार बार बनते रहते हैं, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होती है, उसको हम बोलते हैं ब्रेन इन्फार्क्शन। वो चीजें प्रोग्रेसिव होती हैं, समय के साथ साथ बढ़ती हैं। लेकिन सेरिब्रल पाल्सी, हमने अभी तक बात की, पहली बात क्या की, ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। दूसरी बात हमने क्या की, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। दूसरी बात हमने क्या की, यस, दूसरी बात हमने की कि ये मूवमेंट्स डिसऑर्डर है। तीसरी चीज सेरिब्रल पाल्सी की स्पेसिफिक, इट इज नॉन प्रोग्रेसिव। मतलब आपको एक बार ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हो गई, ब्रेन का कॉर्टेक्स डैमेज हो गया, ऐसा नहीं है कि वो डैमेज अब बढ़ता जाएगा। आपको सेरिब हाइपोक्सिया बर्थ के टाइम पे हुआ, बर्थ एस्फिक्सिया जिसको बोलते हैं, ब्रेन का वो पार्ट डैमेज हुआ, वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन उस हिस्से ने जो कंट्रोल करना था वो चला गया। अब ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको दोबारा से रीजनरेट करना बहुत मुश्किल है। न्यूरोप्लास्टिसिटी से हेल्प की जा सकती है, बट उसको बिल्कुल नॉर्मल नहीं किया जा सकता। न्यूरोप्लास्टिसिटी का कंसेप्ट मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। सो सेरिब्रल पाल्सी की तीसरी और चौथी बात यह है कि इट इज नॉन प्रोग्रेसिव एंड इट इज लाइफ लॉन्ग। अगर किसी को सेरिब्रल पाल्सी है तो उसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, बिल्कुल क्योर करना ऑलमोस्ट नामुमकिन, ठीक है। अब सेरिब्रल पाल्सी के आगे टाइप्स होते हैं बेस्ड अपॉन ब्रेन का कौन सा हिस्सा स्पेसिफिकली उस हिस्से में। जैसे हमने ब्रेन की बात की, ब्रेन के अंदर एक हिस्सा है जो मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है, उसमें भी अब अलग अलग पार्ट्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट बच्चे के अंदर सिम्टम होते हैं। कुछ बच्चों को स्टिफ मसल्स होती हैं, बिल्कुल स्टिफ हो जाता है, इसको हम बोलते हैं स्पास्टिसिटी। ये कब होता है, डैमेज टू और डेवलपमेंटल डिफरेंस इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। आप जानते हैं कि ब्रेन को कंट्रोल, किसी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए सबसे ऊपर सिग्नल आएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, वहां से फाइबर्स नीचे जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए बच्चे के पास पहुंचते हैं। तो अगर सबसे ऊपर डैमेज है स्पास्टिक, उसके बाद अगर ये रास्ते में एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम बोलते हैं बेसल गैंग्लिया, सब फाइबर्स इस बेसल गैंग्लिया के थ्रू जाते हैं। अगर बेसल गैंग्लिया पे डैमेज है तो उसको डिसकाइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी होगी। अगर सेरिबेलम के थ्रू जब जा रहा था वहां पर दिक्कत है तो पोस्चर कंट्रोल नहीं होगा। बाकी चार फीचर सेम है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, चार फीचर्स। इट्स ए मूवमेंट डिसऑर्डर, इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर, इट्स अ नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, ओके। और अगर कई जगह डैमेज है तो सेरिब्रल पाल्सी में मिक्स पिक्चर भी आ सकती है। कितना कॉमन है, हर 1,000 में से 2 या 3 लाइव बर्थ्स में सेरिब्रल पाल्सी देखी जाती है। बहुत सारे निक्कूज बने इन बच्चों को, लेकिन सेरिब्रल पाल्सी कंट्रोल करने के लिए सरकार ने प्रोग्राम्स बनाए, बट जो रिसेंट रिसर्च कह रहा है कि इसका इंसिडेंस हम कम नहीं कर पा रहे हैं। शायद हम प्री मेच्योर बच्चों को बचा रहे हैं जिनमें सेरिब्रल पाल्सी इट्सेल्फ इज अ रिस्क। तो अगर जो आपने केयर दी तो ओवरऑल इंसिडेंस इज स्टिल 2 to 3 per 1000 लाइव पर। पेरिनेटल कॉम्प्लिकेशन में सेरिब्रल पाल्सी होने का रिस्क रहता है। होता क्या है, अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। इसमें इंजरी होती है ब्रेन के उस पार्ट को जो शरीर को मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। ये इंजरी माँ के पेट में भी हो सकती है, इसको हम प्रीनेटल इंसर्ट कहते हैं। बर्थ के दौरान भी हो सकती है, इसको हम पेरीनेटल इंसर्ट कहते हैं। और बर्थ होने के बाद भी हो सकती है, इसको हम पोस्टनेटल इंसर्ट कहते हैं। मोटर कंट्रोल ब्रेन का सबसे पहले इफेक्ट होता है। क्यों जल्दी, क्यों सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि मैंने पहले बताया ये सबसे मेटाबॉलिकली एक्टिव है। और जब यहाँ पे इंजरी होती है दैट रिजल्ट्स इन पुअर मोटर फंक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, सो अलग अलग समय पे कारण अलग अलग हो सकते हैं।
जब माँ के पेट की हम बात कर रहे हैं कि इंजरी हो रही है, कोई मदर को इन्फेक्शन हुआ जो बच्चे तक पहुंच गया, किसी वजह से प्लेसेंटा के थ्रू जो ऑक्सीजन जा रही थी वो कम हुई, वो पहुंच गई, म्यूटेशंस हुई उसकी वजह से हो गया। पेरिनेटल कॉजेज में बर्थ ट्रोमा सबसे कॉमन है, एस्फिक्सिया, पैदा होने के बाद जो इंजरीज होती हैं उनमें पोस्टनेटल कॉजेज इन्फेक्शंस, हेड इंजरीज, स्ट्रोक्स आ जाते हैं। ओके, सेरिब्रल पाल्सी को डायग्नोज कैसे करना है? मेनली ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है बेस्ड अपॉन डिलेड मोटर माइलस्टोन, और उसको हम कोरिलेट अगर हम करना चाहें न्यूरो इमेजिंग से, एमआरआई और सीटी स्कैन्स। अगर क्लासिकल हिस्ट्री है, पेरेंट्स अफोर्डिंग नहीं है, तो न्यूरो इमेजिंग इज नॉट एन एमरजेंसी, वी शुड स्टार्ट रिहेबिलिटेशन फर्स्ट रादर देन स्ट्रेसिंग ऑन कि नहीं पहले एमआरआई करके आओ फिर हम आपके आगे देखेंगे। क्या क्या इससे ज़्यादा, मतलब एमआरआई सीटी स्कैन से ज़्यादा मैं कहूँगा कि असेसमेंट टूल्स होते हैं, जीएमएफएस के सीए स्केल बोलते हैं हम इसको, जिससे हम एक पेशेंट को आइडिया दे सकते हैं कि आगे चल के आपकी एज में क्या होने वाला है। इस स्केल के बारे में डिटेल वीडियो में कभी ना कभी बनाऊंगा, बट एक रफ सा आइडिया आप स्क्रीन से ले सकते हैं कि इसके लेवल 1 जो बच्चे वॉक कर पा रहे हैं, लेवल 2 जिसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट के साथ वो कर पा रहे हैं, लेवल 3 में डिपेंडेंट होते हैं, लेवल 4 में सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, और लेवल 5 में इवन विद सपोर्ट दे आर नॉट एबल टू मूव, रादर आई आई वुड से एंटी ग्रेविटी मसल्स उनकी काम नहीं करती हैं। एडीएल स्केल, और इन स्केल्स पे अलग से एक वीडियो बनाना चाहिए, बट दीज जस्ट अभी मैं इतना ही कन्वे करना चाहूँगा कि ये स्केल्स अवेलेबल हैं, इनके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कितना सीवियर सेरिब्रल पाल्सी है। अब इसको मैनेज करना एक आदमी के बस की बात नहीं है, सेरिब्रल पाल्सी की मैनेजमेंट में टीम की ज़रूरत होती है, वो टीम पीडियाट्रिशियन से स्टार्ट होती है, सोशल केयर, नर्सिंग केयर, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट, टीचिंग सपोर्ट, फिजियोथेरेपी, डाइटिशियन, बहुत सारा सोशल सपोर्ट चाहिए होता है इन द फॉर्म ऑफ एनजीओस, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट की बीच बीच में जरूरत पड़ती है, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, ऑर्थोपेडिशियंस की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कुछ चाइल्ड अथॉरिटीज़ भी हैं जो हेल्प करती हैं, क्योंकि ये बच्चे अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, बहुत रोल है सोशल वेलफेयर का, गवर्नमेंट का इन बच्चों की हेल्प करने में। तो इट्स ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इन बच्चों को अगर हम सोसाइटी में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, और जब हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें हमारे गोल्स नॉर्मल करना नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा कि इट्स ए लाइफ लॉन्ग डिसीज, इसमें हमारा फोकस है कि पेरेंट्स डिसीज के बारे में ना सोचें और गोल ओरिएंटेड अप्रोच रखें कि कोई ना कोई उनका गोल पूरा हो रहा है। फिजिशियन एंड फिजियोथेरेपिस्ट मस्ट हैव द सेम पर्सपेक्टिव, मतलब अगर आप पीडियाट्रिशियन हैं, अगर आप एमबीबीएस हैं, अगर आप बच्चों की केयर कर रहे हैं एज ए डॉक्टर, तो आपको भी इस चीज़ पे स्ट्रेस करना है कि वो अपने कुछ गोल्स बनाए। कि जैसे मैं एक सिंपल सी बात कहूँगा कि एक यंग लड़की है, अगर वो अपना पजामा पैंट बांध पा रही है अपने आप, उसके लिए एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट, एंड आर टारगेट शुड बी दैट। हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल करना। ओके, फिजिकल थेरेपी है जिसको फिजियोथेरेपी कहते हैं, ये बेसिकली क्या है फिजियोथेरेपी, इसका बेसिस क्या है? मैंने पहले बोला ये मूवमेंट डिसऑर्डर है, तो कुछ मसल्स की टोन ज़्यादा है, कुछ उसकी अपोजिट मसल की टोन कम है, तो बच्चे को कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। सपोज उसकी बाइसेप्स की टोन ज़्यादा है और ट्राइसेप्स की टोन कम है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो बच्चा अल्टीमेटली उसका हाथ इस पोस्चर में फिक्स हो जाएगा। तो फिजियोथेरेपी का सबसे पहला पर्पस ये है कि दोनों मूवमेंट करानी है जिससे कि कॉन्ट्रैक्चर्स ना बने, सबसे फर्स्ट चीज। इसके अलावा जब वो मूवमेंट नहीं करता है तो धीरे धीरे वो मसल काम करना बंद कर जाती है, तो दूसरा एम क्या है फिजियोथेरेपी का, कि हमें उन मसल्स की स्ट्रेंथ को बना के रखना है। तीसरा है मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स का क्या मतलब है? आपके ब्रेन का वो हिस्सा जो शरीर को मूवमेंट में हेल्प कर रहा था, जो डैमेज हुआ है, अब मान लीजिए ये ब्रेन है, इसका ये वाला पार्ट डैमेज हो गया, अब मुझे इससे इसका काम कराना है, इसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारे ब्रेन के अंदर पहले 3 साल तक न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या है, मैं बात करूं, अगर ये दो अलग अलग न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, अगर इनको काम देंगे हम तो नए कनेक्शंस बनते जाएंगे,
नए न्यूरॉन्स के साथ इनका कनेक्शन होता जाए, और अगर वो टोन डिफरेंस की वजह से काम ही नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे ऑल दीज न्यूरॉन्स विल बी डैमेज। ओके, सो फिजियोथेरेपी स्पेशली इन फर्स्ट 2-3 ईयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दोज चिल्ड्रन जिनको सेरिब्रल पाल्सी का डाउट है, रिस्क फैक्टर है, डायग्नोज है। ओके, इसमें क्या क्या आता है डिटेल फिजियोथेरेपिस्ट जानते हैं। आपकी ड्यूटी एज ए पेरेंट्स बच्चे को ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाना है, एज ए डॉक्टर आपकी ड्यूटी ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजना है, और अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो आई एम श्योर आपको अच्छे से बताया गया होगा कि इन बच्चों की फिजियोथेरेपी कैसे करें। मेडिकल मैनेजमेंट का इसमें रोल काफ़ी लिमिटेड है। कई बार जैसे मैंने अभी बात की टोन प्रॉब्लम्स होती हैं, जब ये टोन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती हैं, फिजियोथेरेपी हेल्प नहीं कर पा रही है टोन, या फिजियोथेरेपी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ मेडिसिन हैं जो हेल्प करते हैं, बैक्लोफेन, बोटोक्स इंजेक्शन, ये सब हेल्प करते हैं। अगर बच्चे को साथ में दौरे आ रहे हैं, एंटी सीजर मेडिकेशन देनी पड़ती है, और जैसे मैंने अभी बताया कि सेरेब्रल पाल्सी जब होती है तो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स साथ में हो सकती हैं, तो उन एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को हमें डील करना है। एसोसिएटेड प्रॉब्लम जैसे अगर हम बात कर रहे थे, ये ब्रेन है, मोटर कॉर्टेक्स डैमेज जब हुआ, अगर 2 मिनट तक ऑक्सीजन की कमी हुई तो सिर्फ मोटर कॉर्टेक्स डैमेज हुआ, बट अगर 3 मिनट तक कमी हुई तो साथ में हो सकता है स्पीच वाला पार्ट भी डैमेज हो गया, 10 मिनट तक अगर कमी हुई तो हो सकता है कि ब्रेन का विजुअल कॉर्टेक्स देखने वाला पार्ट भी डैमेज हो गया। तो हमें उन एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करना है एंड ट्रीट करना है। जब भी आप सेरिब्रल पाल्सी पेशेंट को देखते हैं, उसका डायग्नोसिस कैसे होना चाहिए, सबसे पहले टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी स्पास्टिक है, डिस्काइनेटिक है, मिक्स्ड है, किस टाइप की है, उसके बाद एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के बारे में ज़रूर बोलना है, मतलब स्पीच डिले है या नहीं है। इसके अलावा सर्जिकल इंटरवेंशन, कुछ कई बार जब कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं तो हमें ऑर्थोपेडिक इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। राइजोटमी इज ए कमिंग अप थिंग, बहुत ट्रेंड सर्जन्स कर रहे हैं इसके बारे में भी, बट स्टिल इट इज़ बीइंग यूज्ड इन लिमिटेड सेटिंग्स। अगर आपके पास कोई क्वालिफाइड सर्जन है जो ये करता है तो आप उनकी हेल्प ज़रूर लीजिए। अल्टीमेटली सेरिब्रल पाल्सी में एक मेडिकल टीम को आपको अपनी फैमिली बनाना पड़ेगा अगर आपका बच्चा इससे सफ़र कर रहा है। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूँगा उनको आंसर करने। प्रोग्नोसिस कैसा रहता है डिपेंड्स अपॉन आपने कितना जल्दी ट्रीटमेंट किया है और कितना अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं तो आपके बच्चे में सुधार आने का चांस बहुत अच्छा है। देर इज नो क्योर बट ट्रीटमेंट कैन हेल्प इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक पेरेंट के लिए जिनका बच्चा बेड पे था 3 साल से, अगर आपने उसकी फिजियोथेरेपी करके, उसकी सर्जरीज करके, उसको मेडिसिन देके इस लायक बना दिया कि वो अपने सहारे के साथ चल पा रहा है, इट्स ए बिग रिलीफ फॉर द फैमिली। सो डोंट से दीज पेशेंट कि कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ तो किया ही जा सकता है। ये पेशेंट्स आर वेरी, मतलब इनकी पूरी फैमिली एक स्ट्रेस में होती है। अगर हम जो बेस्ट पॉसिबल है करेंगे तो हम शायद इन फैमिलीज की मदद कर पाए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।